हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 20.1 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 20.1 के मैं ऑलरेडी दो पार्ट बना चुका हूं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में हमने सॉल्व किया है 1 to 4 क्वेश्चंस को, ओके, और पार्ट टू में किया है हमने 5 to 8 क्वेश्चंस को। और ये है आपका पार्ट थ्री, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर। What is its slant height? Use pi is equal to 22/7। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है कोन का, मान लीजिए ये आपका कोन है, ओके, और इसका सी एस ए आपको गिवन है, ओके। सी एस ए कितना है? तो जो भी आपको गिवन है, सबसे पहले आप उसको लिख लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसके बाद क्या गिवन है आपको? डायमीटर भी गिवन है, ओके, ये आपका डायमीटर हो जाएगा, ओके, दैट मीन्स 2R, R प्लस R आपको गिवन है, ओके। डायमीटर आपको गिवन है 70 सेंटीमीटर, ओके। आप निकाल लेंगे रेडियस, ओके, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद आपसे पूछा है व्हाट इज इट्स स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट आपको फाइंड करनी है, ये एल आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप निकालोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए। यस, पाई आर एल, ओके। तो सिंपली यहां पर आपको पुट करना है, ओके, पाई आर एल। अब बच्चों देखिए, पाई की जगह आपको क्या रखना है, 22/7, आपको 3.14 नहीं रखना है, ओके, तो 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 35 इंटू एल, एल आपको फाइंड करना है, ओके। तो बच्चों, इसके बाद इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ओके, नीचे लिखेंगे 1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एल का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 4070 इंटू 7, ओके, अपॉन में रहेगा आपका 22 इंटू 35, ओके, तो अब देखिए ये आपका 5 से जाएगा 35, ओके, अब 5 से आपका ये जाएगा, ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका जाएगा 814 पर, ठीक है, और ये आपका चला जाएगा 37 पर, ओके। तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा, 37 सेंटीमीटर, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, रेडियस और स्लेंट हाइट का डायरेक्ट वैल्यू आपको गिवन नहीं है। कैसे गिवन है? रेशियो के फॉर्म में, ओके, तो आपका जो कॉमन रेशियो होगा उसको आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ओके, कॉमन रेशियो रहेगा आपका एक्स, ओके। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा आपका 4x, ओके। स्लेंट हाइट कितना हो जाएगा, जब भी आपको रेशियो गिवन हो, ओके, तो आपको कॉमन रेशियो x लेना है और जो भी वैल्यू होगी आपको इनटू कर देना है x से, ओके। स्लेंट हाइट हो जाएगा आपका 7x, ओके। इसके बाद देखिए क्या गिवन है। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू भी गिवन है, ओके, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, रेडियस का वैल्यू आपको फाइंड करना है और पाई की जगह आपको क्या रखना है, 22/7। तो चलिए आप यहां पर लिख लीजिए जो आपका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, आपको निकालना है इस आर का वैल्यू, ओके, पाई इंटू आर इंटू एल, यही तो होता है, ओके, 792।
अब देखिए बच्चों, आर और एल का वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, रेशो की फॉर्म में गिवन है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या रखेंगे, 4x और 7x रखेंगे। ओके, 4x और 7x रखेंगे। तो चलिए इसको रख लीजिए आप, इसको 4x इंटू 7x ओके इज इक्वल टू 792। ओके, अब देखिए ये 7 से आपका ये 7 कट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 22 अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, 792। ओके, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 792 अपॉन 22 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 88। ओके बच्चों, इसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। ओके, अब इस 9 का आप ले लेंगे अंडर रूट। ओके, तो एक्स का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 3। ओके, तो बेसिकली आपके पास एक्स का वैल्यू आ चुका है, जो कॉमन रेशियो था वो कितना है आपका एक्स, ठीक है, और रेडियस कितना है आपका 4x। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रेडियस, और रेडियस का वैल्यू ही आपको फाइंड करना था। ओके, 4x, तो ये सिंपली एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है। ओके, जो 3 आया है तो ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब बच्चों समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, एक जोकर की कैप आपको गिवन है जिसका शेप है कोन की फॉर्म में। ओके, रेडियस भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओके, इस आर का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। इसके बाद आपको हाइट भी गिवन है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ओके, निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। ओके, अब मान लीजिए एक कैप आपने बनाया है। ओके, तो इसका जो एरिया होगा, बेसिकली ये बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, क्योंकि ये कोन है तो हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। ओके, और 10 का अगर एरिया आपको फाइंड करना है तो एक का फाइंड कर लेंगे और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसा कि आप जानते हैं, इन सभी कैप्स को आप यूजुअली बर्थडे पार्टीज में पहनते हैं। ओके, अब देखिए जो समझने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर एल। और क्वेश्चन में सिर्फ एरिया आपसे पूछा है, टोटल एरिया नहीं पूछा। टोटल एरिया में क्या आता है, बेस भी आता है। ओके, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो नीचे का एरिया है वो तो है ही नहीं। ओके, क्योंकि वो तो आपको हेड पर पहनना होता है ना, तो ये होलो है आपका। ओके, ये सॉलिड नहीं है, ये आपका कैसा है, होलो है। ओके, तो आपको ध्यान यही रखना है कि जो आपका बेस एरिया है वो आपको नहीं लेना। आपको यहाँ पर बात की गई है सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो आपको क्या निकालना है, पाई आर एल निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ओके, लेकिन आपको एल का वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, है ना, तो एल का वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे। ओके, आपको क्या करना है, ये आपका जो ट्रायंगल है, ओके मान लीजिए ये आपका ए बी सी ट्रायंगल है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। ओके, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और यहाँ पर यूज़ करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए इसको एल को हम फाइंड कर लेते हैं। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर करना है, प्लस एच का स्क्वायर यानी 24 का आपको स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 49। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 576। ओके, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 625। तो 625 को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 25 इंटू 25। ओके, अभी आपका एक पेयर बन चुका है, यहाँ से आप निकाल लेंगे 25। ओके, तो ये बेसिकली आपका 25 का स्क्वायर रूट था। ओके, तो यहाँ से आपके पास निकल के आ चुका है एल का वैल्यू, दैट मीन्स लेंथ हाइट आप निकाल चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया, चलिए इसको निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया को।
पाई का वैल्यू आपको क्या रखना है, 22 अपॉन 7, आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू 25। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये जो कर्व सरफेस एरिया निकल के आया है, ये सिर्फ निकल के आया है सिंगल कैप का, यानी कि एक कैप का। अब आपको निकालना है 10 कैप का, तो सिंपली आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आप क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कैप्स, तो कितना होगा, 10 इंटू 550। ओके, जो सिंगल कैप का आपका एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों आपको करना क्या है, जब भी आपके पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको उस चीज़ को इमेजिन करना होता है और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू कॉन्स इफ देयर डायमीटर्स ऑफ द बेसिस आर इक्वल एंड स्लेंट हाइट आर इन द रेशियो 4:3। तो देखिए आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। किसका निकालना है, कर्व सरफेस एरियाज का, यानी कि आपको दो कोन गिवन है, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। अब दोनों कोन में आपको गिवन क्या है, डायमीटर्स ऑफ द बेसिस आर इक्वल, ठीक है, जो डायमीटर है वो आपका इक्वल है। ओके, इसका इसके बराबर है। इसके बाद स्लेंट हाइट आर इन द रेशियो 4:3, जो स्लेंट हाइट है उसका रेशियो गिवन है आपको। ओके, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, सिंस यू नो दैट डायमीटर्स आर इक्वल, सिंस डायमीटर ऑफ टू कॉन्स आर इक्वल, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं रेडियस भी इक्वल हो जाएगी। ओके, द रेडियस आर ऑल्सो इक्वल। ओके, अब इसका जो रेडियस है उसको मान लेंगे आप R1 और इसके को मान लेंगे R2, ठीक है, दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 आप बोल सकते हैं, या फिर हम R बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर है। अब बात करते हैं स्लेंट हाइट की, ये आपको रेशियो में गिवन है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, जब भी आपको रेशियो में गिवन हो तो आपको क्या मानना है, कॉमन रेशियो x मानना है। क्या मानना है, कॉमन रेशियो x मानना है। कॉमन रेशियो मान लीजिए, ओके, लेट कर लीजिए कि x है, तो इस केस में अब यहाँ पर जो l है उसको मान लीजिए ये L1 है और इसको L2 मान लीजिए। ओके, तो L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, L1 का वैल्यू हो जाएगा 4x और L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x। ओके, अब बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया की, तो अब मान लीजिए ये वाला आपका पहला कोण है, ओके, और ये आपका दूसरा कोण है। ओके, इस तरीके से हम लेके चल रहे थे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोण और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोण। ओके, तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया CSA1 और CSA2। फॉर्मूला आपको मालूम है, पाई RL होता है। ओके, पाई ये आपका R1 हो जाएगा पहले वाले कोण के लिए और ये आपका L1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे के लिए पाई आपका सेम रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे R2 क्योंकि दूसरा वाला कोण है। ओके, ये वाला और ये हो जाएगा आपका L2। अब देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब देखिए R आपका बराबर था, जो रेडियस है वो आपका बराबर था, तो आप लिखेंगे R/R और L1 का वैल्यू है 4x और L2 का वैल्यू 3x, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4x/3x, है ना, यही तो लिखेंगे। अब देखिए R से R भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, अब आपके पास बचेगा क्या, 4x/3x, तो x फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 4/3, दैट मीन्स जो रेशियो है वो कितना आ चुका है आपके पास, 4:3। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1:1 कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 आपके पास निकल के आ चुका है 4:3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस
प्रॉब्लम। और हाँ बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो क्यों लगा, तो उसके बारे में भी आप मुझे लिखकर जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।